माँ ने अपने बेटे को रात 12 बजे फोन किया। बेटा फोन उठाता है, तभी माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा आज 25 साल का हो गया था। तभी बेटा गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता है क्या, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी, ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद पिता बेटे को फोन करता है और बोलता है, बेटा मैंने इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले एक महीने से रोज मुझे तुम्हारा जन्मदिन याद दिलाती आ रही है और आज खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक भी बनाया है। ऊपर से यह जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक खाना नहीं खाएगी। पिता कहते हैं कि तुम्हें पता है बेटा, वह तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने कहा था कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को, उसने बिना एक सेकंड भी सोचे तुम्हें बचाने का फैसला कर लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में पड़ सकती है और उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता बेटा, बिना तुझे देखे तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। इतना कहकर उसके पिता ने फोन रख दिया। अब बेटे को एहसास हुआ कि वह जो कर रहा है वह गलत कर रहा है, वह भूल नहीं गुनाह है। बेटे ने वापस माँ को फोन किया, रोते हुए उनसे माफी मांगी और हमेशा आदर करने का वादा किया।